हेलो बच्चों हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास टेन का इंग्लिश ब्रिज कोर्स जो कि इस वर्ष के लिए लागू किया गया है 2021 हज़ार के लिए जो कि बेसिक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया था फॉर्मल लेटर और दूसरे पार्ट में हमने इनफॉर्मल लेटर भी पढ़ लिए थे तो इसके बाद आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही लेटर में दो दो एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं जो कि महत्वपूर्ण है आपको आने चाहिए इसके बाद आज हम पढ़ेंगे मैसेज राइटिंग ठीक है मैसेज राइटिंग तो मैसेज राइटिंग में क्या आता है तो शुरू करते हैं ए मैसेज इज इज ए मैसेज इज ए शोर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन ए रिटर्न फॉर्मेट व्हेन ए पर्सन कैन नॉट स्पीक टू अनादर पर्सन डायरेक्टली जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता ही या शी लिवस ए हैंड रिटर्न नोट आर फॉरवर्ड ए टेक्स्ट मैसेज थ्रू मोबाइल आर एनी कम्युनिकेटिंग सोर्स किसी भी माध्यम से वह फिर लिखा हुआ या टेक्स्ट मैसेज भेज देते हैं समटाइम्स द मैसेज इज ऑल्सो सेंट औरली बाई वॉइस मैसेज के द्वारा भी मौखिक रूप से भी मैसेज भेज दिया जाता है द तो फॉर्मल मैसेज राइटिंग विल रिक्वायर द बिलो गिवन फॉर्मेट तो जिस प्रकार फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट होता है इनफॉर्मल लेटर का भी एक फॉर्मेट होता है कि उसे किस तरह से लिखा जाएगा उसी प्रकार मैसेज राइटिंग का भी एक फॉर्मेट होता है कि उसे किस तरह से लिखा जाना चाहिए तो मैसेज राइटिंग के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाएगा ठीक है जो मैसेज हो वो ऊपर आता है मैसेज डेट सबसे पहले डेट और टाइम फिर डियर रिसीवर्स नेम आएगा जिसे आपको भेजना है तो डियर फ्रेंड या जो भी आप जिसको भी मैसेज भेजोगे वो यहाँ लिखा लिखा जाएगा उसके बाद बॉडी टेक्स्ट हु कॉल्ड द मैसेज दे वांटेड टू कन्वे एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ठीक है तो इस प्रकार से मैसेज का ये फॉर्मेट है जो कि हमें पता होना चाहिए उसके आखिरी में आता है योर नेम ठीक है योर नेम जो मैसेज भेज रहा है उसका नाम आएगा यहाँ पे आखिरी में तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रखा है मैसेज हम इससे आसानी से समझ जाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा करण हैड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो विथ हिज मदर्स फ्रेंड करण का कन्वर्सेशन उसकी मदर की फ्रेंड मतलब उसकी मम्मी की सहेली शीला के साथ है यहाँ पर सिंस ही वॉज गोइंग आउट इमेजिएटली आफ्टर वर्ड ही लेफ्ट ए मैसेज फॉर हिज मदर वह अपनी मदर के लिए एक मैसेज छोड़ रहा है रीड द कन्वर्सेशन एंड राइट आउट द मैसेज इन नोट मोर देन फोर्टी वर्ड्स पुट द मैसेज इन ए बॉक्स तो हम देख लेते कन्वर्जेशन क्या हो रहा है तो शिला शिला जो कि करण की मम्मी की सहेली है uh, करण की मदर्स फ्रेंड वो शिला हेलो दिस इज शिला स्पीकिंग कुड आई प्लीज स्पीक टू ऊषा मैं शिला बोल रही हूँ क्या मैं ऊषा से बात कर सकती हूँ तो करण शी इज नोट एट होम आंटी वह घर पर नहीं आंटी शीला वेन इज शी लाइकली टू कम बैक वापस कब आएगी करण नोट बिफोर सिक्स इन द इवनिंग शाम को छः बजे से पहले नहीं कुड आई गिव हर ए मैसेज क्या मैं उन्हें एक मैसेज दे दूँ शीला यस प्लीज हाँ कुड यू टेल हर डेट आई हैव बीन एबल टू मेक द अपॉइंटमेंट विथ द एडिटर ऑफ मैगजीन द चाइल्ड्स यूनिवर्स वी हैव टू मीट हर एट टेन ए एम टूमारो सिंस उषा डजेंट नो द प्लेस आई विल कम एंड पिक हर अप एट नाइन थर्टी शी शुड ब्रिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट शी वांट्स टू शो मिसेज शेखर डैट इज द एडिटर्स नेम ठीक है तो इस प्रकार यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दे रखा करण और शीला के बीच में तो जो करण है वो मैसेज छोड़ के जाएगा अपनी मम्मी के लिए तो यहाँ पर मैसेज है मैसेज है डेट लिखिए ट्वेल्व मार्च जो भी सन हो वो टाइम दे रखा है फोर थर्टी मम्मी क्योंकि उसकी मम्मी को मैसेज लिख रहा है शीला आंटी हैड कॉल्ड टू इनफॉर्म अ डेट एंड अपॉइंटमेंट फॉर टेन एम टुमारो हैज़ बिन फिक्स्ड विथ मिसेज शेखर एडिटर ऑफ द चाइल्ड्स यूनिवर्स शी विल पिक यू अप एट नाइन थर्टी टूमारो डोंट फॉरगेट द मैन्यूस्क्रिप्ट यू वॉन्ट टू शो टू द एडिटर तो इस प्रकार उसने मैसेज लिख दिया है ठीक है मैसेज की बॉडी है शुरू में डेट आएगी टाइम आएगा और जिसे भी हम लिख रहे हैं मैसेज उसका नाम आएगा ठीक है इस प्रकार ही मैसेज और आखिरी में लास्ट में अपना नाम जो मैसेज दे रहा है उसका नाम आना चाहिए और इस प्रकार से मैसेज लिखा जाता है इसके बाद यहाँ पर ई राइटिंग दे रखा ठीक है मैसेज इन एंड ई राइटिंग तो द फॉर्मेट इज गिवन हियर ई मेल राइटिंग इन कम्पोजिंग सेंडिंग स्टोरिंग एंड रिसिविंग मैसेज ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम एन ई मेल स्टैंड फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक मेल ई मेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल ई मेल राइटिंग इज प्रिफर्ड ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एज इट इज़ चिपर एंड चिपर एंड फास्टर ईमेल राइटिंग को अभी बहुत सस्ती है तुरंत हो जाती है इसलिए यह भी कम्युनिकेशन का मुख्य माध्यम है तो ईमेल राइटिंग यहाँ पर दे रखा है कि ईमेल लिखा हुआ है टू रेसिपिएंट्स मेल आईडी तो यहाँ पर टू रेसिपेंट्स जिसे हमें भेज रहे हैं उसकी मेल आईडी आनी चाहिए ऊपर उसके बाद सीसी अदर कॉन्वर्स पर्सन विथ विजिबल ई मेल और उसके बाद बी -सी -सी, मतलब अदर कॉन्सर्नड पर्सन विथ इनविजिबल ईमेल आईडी उसके बाद आएगा डेट जिस भी दिनांक को लिखी जा रही है सब्जेक्ट रीजन फॉर राइटिंग द मेल सब्जेक्ट में किस कारण से आप ईमेल लिख रहे हो वो आएगा ग्रीटिंग सल्यूशन डिस्प्ले और रिस्पेक्ट सच ए सर रिस्पेक्टेड सर सब्जेक्ट के बाद आएगा ग्रीटिंग मतलब जिसे भी आप लिख रहे हो उसको आप यहाँ पर सैल्यूटेशन uh, करोगे सर या रिस्पेक्टेड सर उसके बाद मेन बॉडी जिसलिए जिस कारण से ईमेल लिखा गया है कंटेंट ऑफ ईमेल तो शुरुआत में इंट्रोडक्शन डिस्कस द मैटर इन डिटेल और कंक्लूज़न उसके बाद क्लोजिंग लाइन आएगी थैंक यू फॉर द कंसिडरेशन फिर अटैचमेंट अटैच रिफर्स फाइल यदि आपको कुछ साथ में भेजना हो तो उसको अटैच भी करोगे आप सिग्नेचर लाइन नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल लास्ट में आएगा क्योंकि ई है तो इसमें आखिर में कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा लास्ट वीक एग्जाम्पल दे रखा लास्ट वीक यू वे आर कोर्ट इन ए सडन शॉवर ऑफ़ रेन राइट एन ई मेल टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस आप लास्ट पिछले सप्ताह लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह सडन शॉवर ऑफ रेन बारिश में अचानक से आपको भिगना पड़ा था राइट एन ई मेल आपको एक ईमेल लिखना अपने दोस्त को फ्रेंड को लिख रहे हो आप आपके अनुभव बताने के लिए ठीक है तो यहाँ पर आप लिखोगे तहजीब ज़ाहिर अल्फा जी मेल डॉट कॉम तो आपका जो ईमेल जो ईमेल है जिसे आप भेज रहे हो ठीक है यहाँ पे शुरुआत में फ्रॉम है मतलब आपका ईमेल आएगा ठीक है उसके बाद टू वंदना शर्मा तो वंदना शर्मा टू करके जो लिखेंगे तो जिसे भेज रहे हो उसका नाम यहाँ आएगा मतलब ई मेल यहाँ आएगा और सबसे ऊपर अपना आ जाएगा उसके बाद आ जाएगी डेट जिस भी दिनांक को हम लिखेंगे सब्जेक्ट तो यहाँ सब्जेक्ट विशेष नहीं लिखा है यहाँ पर ठीक है हाय लिखा केवल डियर वंदी वंदना को लिखा है क्योंकि फ्रेंड है इसलिए ऐसा लिखा है हम वंदना भी लिख सकते हैं uh, उसके बाद मैनी थैंक्स फॉर द लवली टी शर्ट यू सेंट में तुमने मुझे टी शर्ट भेजा था मुझे जो टी शर्ट भेजा था उसके लिए थैंक्स आई मस्ट टेल यू अबाउट यस्टर्ड एक्सपीरियंस में तुम्हें बीते हुए दिन के अनुभव बताना चाहती हूँ आई कोट आई कोट इन ए सडन शोवर ऑफ रेन I was on my way to the market when suddenly the sky darkened and the, and the heavens opened and we were caught in the heavy uh, downpour. I don't think I would have had it up in one minute when the rain stopped and not another drop came down the day. What an experience! विथ लव तहजीब तो इस प्रकार ये उसने अपना अनुभव लिखा था जब वो बारिश में अचानक से भीग गई थी जो केवल थोड़े समय की बारिश थी उसके बाद कोई पानी नहीं गिरा था तो इस प्रकार ये ई राइटिंग था और बहुत आसान है ई राइटिंग भी इसके बाद हम कंपोजिशन और नोटिस राइटिंग करेंगे और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए नाइन्थ और टेंथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन आंसर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए